आज तक नहीं देखा कि मम्मा ने इतनी रूडली मेरे से बात करी और कहते बस तू घर आ जा। ओ तो रो रही है, मेरा एक चांटा पड़ चुका था एंड उसके बाद मैंने फटाफट, तो गाइज अपना कॉफी का कप, अपनी चाय का कप साथ में लेके बैठ जाना, बिकॉज ये वीडियो बहुत दिल से होने वाली है और क्योंकि दिल से है और लंबी भी होगी। Hi guys, welcome back to the channel. Welcome to our channel. अगर आप नए हो तो आपका बहुत 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 स्वागत है. This is Priyanshu and my name is Kirat. ये मेरी वाइफ है, मैं इसका हस्बैंड हूँ. That's right. आज हमने उस बारे में बात करने की, कीरत, जो हमें highly requested video है, plus ये video ऐसी है कि I think हमारे सारे subscribers ने हमें धमकी दी है कि ये अब आ जानी चाहिए ये video. And that is why we are making this video. Yes, this is our love story. So, Priyanshu और कीरत की प्रेम कहानी. प्रेम कहानी. This is going to be very special because we're gonna relive our own journey, I guess, है ना, कि कैसे start हुआ. Honestly, हम किसी भी वीडियो बनाने से पहले ना ऐसे हिचकिचाते नहीं है, बट ये इतनी स्पेशल वीडियो होने वाली है हमारे लिए, आई थिंक हमारे YouTube फैमिली के लिए, या फिर कोई भी जो हमें आने वाले टाइम में हमसे जुड़ेगा उसके लिए. तो जस्ट टू नो आवर स्टोरी, थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि कीरत बिलोंग्स टू अ सिख फैमिली एंड आई एम अ हिंदू. तो कई लोग कहेंगे कि यार इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात होगी, सिख हिंदू एक ही हैं एंड थिंग्स लाइक दैट. मैं तो उससे भी ओके हूँ, बट ये हमारी स्टोरी है कि हमारी स्टोरी में क्या हुआ. लाइक फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है. Let's get started. Yeah, let's do it. So, बात कुछ ऐसी है, एक था लड़का एक थी लड़की, दोनों बन गए यूट्यूबर, खत्म कहानी. थैंक यू सो मच. बस बहुत सालों पहले 1965 में, नो चेंज, ओके, बहुत इतनी पीछे भी नहीं जाना. कहाँ से शुरू करें? द फर्स्ट टाइम दैट वी मेट, शुरुआत करते हैं. व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम दैट वी मेट ईच अदर? ओके, सो वी मेट इन ग्रेड 12, प्लस टू की स्टार्टिंग थी. वी वर 17 इयर्स ओल्ड. नई ट्यूशन ज्वाइन करी थी मैंने इकोनॉमिक्स की, और फियांशु ने भी ज्वाइन करी थी. थैंक यू. वी वर 17 इयर्स ओल्ड एंड That's the first time that I saw her. Let's talk about first impressions. Okay. So I saw this girl and I just thought that she is extremely beautiful. बहुत ज़्यादा cute, सुंदर, और मतलब ना जिस लड़की को तुम देखते हो और तुम्हें कहते हैं यार सही है, ये काफ़ी सही है. और साथ ही साथ ये फीलिंग भी आई थी आउट ऑफ माई लीग. कैश मुझे पता नहीं, ये इतने सालों तक मुझे ये बताता रहता था कि कुकू यू आर वेरी ब्यूटीफुल, और मुझे लिटरली अपने आप को ऐसा होता था कि यार नहीं, पता नहीं क्यों इतनी तारीफ करता, मुझे मैं सुंदर नहीं लगती बिल्कुल भी. और अब मेरी शादी हो गई तेरे साथ, अब कोई एजेंडा नहीं, अभी भी बोलता यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. थैंक यू ऑनेस्टली. चल ये बता कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तेरे पे क्या था. तो फियांशु का फर्स्ट इम्प्रेशन, टू बी ऑनेस्ट, लाइक जैसे मैंने पहले बताया, आई वाज़न्ट इंटरेस्टेड इन गाइज, बट It's like you can love Priyanshu or you can hate Priyanshu, but you cannot ignore Priyanshu. तो ये situation तब भी थी और मुझे अभी भी लगती है, और इसको unnoticed नहीं कर सकते तुम. He can just come into the room and you just can't ignore him. तो इसका वैसे सी लंबा सा था, ये curly से बाल, hairband लगा के आता था, थोड़ी मुझे गुंडे वाली feel आती थी इससे. मेरी चलती थी उससे बहुत. कोई शरीफ वाली feel नहीं आती थी. मेरी शादी पे ना मेरे फ्रेंड्स ने परफॉर्मेंस दी थी देसी बॉयज पे, ठीक है, तो लिटरली वो मैं ही था. देसी बॉयज. एनीहाउ, कि जैसे मैंने बताया कि कीरत वाज आउट ऑफ माय लीग एंड कीरत के साथ एक फ्रेंड होती थी कीरत की, तो टिपिकल जैसे हिंदी बॉलीवुड स्टोरीज में होता है कि दोस्त नहीं तो दोस्त की दोस्त सही, ठीक है, जो अप्रोचेबल है ज्यादा. एंड आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हर, ठीक है, जैसे ट्यूशन में आप सबसे बात करते हो, और आप लोगों ने देखा अभी तक, अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो, तो मैं बता देता हूँ, आई एम अ वेरी फ्रेंडली गाय, आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, तो मैं सबसे आगे बात करने का शौक रखता हूँ. और कीरत की फ्रेंड से मैंने बातचीत करनी शुरू की, फिर धीरे धीरे कीरत से भी बात होनी शुरू हुई, बट स्ट्रिक्टली इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन की पढ़ाई ये वगैरह. आई थॉट कि मैं कीरत की फ्रेंड के साथ फ्लर्ट करूंगा और मे बी देयर विल बी सम स्पार्क बिटवीन अस, बट ऑनेस्टली जब उससे बात हुई तो आई डिडंट फील एनीथिंग. एंड आउट ऑफ नोवेयर जब कीरत से बात होनी शुरू की फर्स्ट सेकंड टाइम, क्योंकि वो दिल में धुक-धुक तो होती है, लड़के समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना. इमीडिएटली जब कीरत से बात करी एंड आई जस्ट फेल्ट दैट स्पार्क, फेल्ट दैट कनेक्शन और सिमिलैरिटीज बिटवीन अस, कि यार आई लाइक हर, मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो. दिस इज व्हाट आई फेल्ट ऑनेस्टली, एंड
उसके बाद आई थिंक कीरत वॉज हैप्पी, बट मैंने ना कभी ये नहीं शो किया कि मैं लाइक करता हूँ तुझे। हाँ, सिर्फ प्रियांशु ने बताया कि उसने मेरी फ्रेंड से बात करी पहले। मैं तो लिटरली अगर ये मेरे से पहले बात करने आता तो आई वुड हैव लाइक जस्ट सेड के भाई मैंने इतना कोल्ड शोल्डर देना था इसको, एंड फिर उसके बाद ये बेचारा खुद ही घबरा कर मेरे से कभी बात ना करता। वो इसने जो सेफ जोन अपनाया ना कि मेरी फ्रेंड से बात करने लगी, और फिर मैं ऑब्वियसली साथ में खड़ी हूँ, ठीक है, इसको अपनी फ्रेंड को थोड़ा ना कह सकती मत बात कर उससे, मत बात कर, तो मैं भी अच्छा ये लड़का उससे बात कर रहा है, जैसे तुमने मैं खड़ा कीरत की फ्रेंड खड़ी और कीरत यहाँ खड़ी है, मैं कीरत देखता ही नहीं था, मैं कहा तू था। वो जो इसने मतलब के माइंड गेम खेली ना वहां पर, मेरे को बिल्कुल भी इसने कोई भाव नहीं देना, मैं कहा ठीक है लड़का, मतलब के ठीक है आई एम सेफ, तो आई वाज, बट थोड़ा सा ऐसा था कि ठीक है उससे बात कर रहा है, एंड काफी सेंसिटिव लगता था। तू स्टार्टिंग में कीरत की बजाई भी बहुत थी, मैंने कंफर्टेबल होगी इससे बात करने, हेलो हाय होने लग गई, हर रोज ट्यूशन होते थे और मुझे नोट्स एक्सचेंज होने लग गए। मुझे ना एक बात बता दी कि लड़कियों को ना पढ़ाकू लड़के बड़े पसंद है, एंड मैं बिल्कुल स्टूडियस टाइप का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। गाइज यू विल नॉट बिलीव, दो हफ्ते जब मेरी इनके नई नई दोस्ती हुई है, मैं इतनी पढ़ाई करके गया हूँ ट्यूशन में, इतनी पढ़ाई करके गया हूँ, और ये वो टॉपर टाइप की लड़की थी जो मेरा काटा है सर कोई भी सवाल पूछ रहे, सबसे पहले मेरा हाथ होता था, सबसे पहले मेरा आंसर होता था, एंड पूरे ट्यूशन में सारे हैरान थे ये कौन है इतना इंटेलिजेंट लड़का, क्योंकि नया नया बैच शुरू हुआ था। तो मुझे कोई डाउट होता था तो मैं सर से पूछती थी, और ये पीछे से कहता था आई कैन हेल्प यू, तो मैंने कहा, और सर ने कोई भी जैसे क्वेश्चन दिया और ये फटाफट बोल देता था आंसर। मैंने कहा ये लड़का इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर रहा है ये सब कुछ, मैं बड़ा पढ़ के देखती थी कौन है ये, तो मैं पीछे मुड़ के देखती थी और ये मुझे कहता था आई कैन हेल्प यू, डू यू नीड एनी हेल्प, तो मैंने कहा नो नो आई एम गुड। तो ऐसे भाई इसने दो हफ्ते ऐसे करा, मैंने कहा लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है यार, बड़ा अच्छा, मतलब के बाल लंबे लंबे, पढ़ाई भी है, ठीक है गुंडा टाइप दिखता था बट पढ़ता पुढ़ता है, अच्छा अच्छी बात है, आई गॉट रियली इम्प्रेस्ड। तो And stop saying this gunda type. अच्छा ठीक है। माचो कहते हैं। चलो ठीक है माचो टाइप्स। तो बट मतलब कि I was like नहीं नहीं ठीक है ये लड़का तो पढ़ता भी है। तो मैडम ने मेरा अल्टीमेटली नंबर मांगा। आज भी मैं ऐसे सोचती हूँ कि किस घड़ी मैंने नंबर मांग लिया। हमें एक डेढ़ दो महीने हो गए थे बात करते हुए as friends, और सबको पता होता था कि इन चारों ने हैंग आउट करा है। तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड होता था कीरत का, कीरत की फ्रेंड, तो हम चारों का ग्रुप था, और मैंने कीरत का नंबर ही नहीं मांगा। मैं कहा मांगेगी तो ये मांगेगी, वरना जैसे चल रहा चलते रहेगा। लाइक हम नोट्स एक्सचेंज करते थे सब कुछ, ऐसे बात होती थी हमारी, तो फिर बस एक दिन मैंने इसको बोला, मैंने कहा अपना नंबर तो दे, नंबर दे दे यार तू अपना। हां अपन सकती भाई ऐसे पिघलने वाले नंबर भी ऐसे नहीं एक्साइटेड होकर नहीं दे, हां 997 111 ऐसे लो टोन, मैं कहा यार 997 111 मैं कहा मछली फंसी। हां तो मैं अच्छा फ्रेंड समझती थी तुझे, मैंने कहा ठीक है नंबर दे दे अपना। यू आर Very sweet then. I still am. You are still, yeah. But फिर उसके बाद जब इसको जाना ना, ये बड़ा ही यार funny सा, ऐसे spontaneous अपने ऐसे jokes से मारने, इसने he had a really funny personality then also and a very charming personality. I used to enjoy his company a lot. तो ऐसे we became very good friends. Yes. तो guys हमारी काफी अच्छी friendship हो गई थी, तो मैं कीरत को ना confess करने ही लगा था थोड़े दिनों में, मेरा plan चल रहा था कि मैं like करने लगी हूँ। अचानक से आउट ऑफ नोवेयर कीरत का एक दिन मुझे कॉल आता है, कीरत की फ्रेंड का, ये दोनों स्कूल में थे, कि हमें ना फीलिंग आ रही है कि तू लाइक तो नहीं करता हम दोनों में किसी एक को। इन्होंने भी डायरेक्टली नहीं बोला, और कीरत तो डरपोक थी तो इसकी फ्रेंड बोल रही थी फ्रंट पे आके। तो मैंने कहा तो क्या बातें कर रही है, मैं पूरे मुकर गया, मैं कहा नहीं कैसी बातें कर रही तू, ठीक है। मैं कहा मेरी बात कहती नहीं, कीरत को लगा मुझे लगा कि तू इतना स्वीट है हमारे साथ तो शायद कोई और एंगल तो नहीं है लाइकिंग वाला ऐसे करके। मैं कहा तू बात करा कीरत से। अब अंदर से तो मैं दिल से पिघलने लग गया था कीरत के लिए। वहां पे गए मैंने जो कीरत को झाड़ा, मैं कहा एक लड़का लड़की दोस्त ही नहीं सकते। मैं कहा तू हूर भी रही है कहीं की तुझे लगता है कि तुझे लगता है मैं तेरे से प्यार करूंगा। भाई और भी लड़कियां हैं कितनी, एक लड़का एक लड़की से अच्छा फ्रेंड नहीं हो सकता। बस मैंने ऐसी तैसी फेरी कीरत की फोन पे, फोन रखा और मैंने कहा अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना मेरे जिक्र का जुबान पे। और मैंने कीरत को किया प्रपोज, और कीरत का आंसर था नहीं। That's right guys, कीरत ने मना कर दिया था मुझे। काफी सैड फील हुआ था मुझे,
थे, क्योंकि तुम्हें लग रहा होता है कि सामने वाले से भी फ्रेंडशिप अच्छी होगी है, और कीरत का मैं ही बेस्ट फ्रेंड था, तो ऐसा नहीं था देयर वाज एनी कंपटीशन, ठीक है, मैं अकेला रेस में भाग रहा था और फिर भी मैं लास्ट आ रहा था। आई वाजंट लुकिंग फॉर एनी रिलेशनशिप, और मुझे ऐसा था कि मैंने शादी ही नहीं करनी, मेरा बेसिकली यही फंडा था कि नहीं भाई मेरे को कोई नहीं मतलब के चाहिए, तो प्लीज, या फिर मैंने ये था कि अगर मैं शादी करूंगी या फिर कोई बॉयफ्रेंड बनाऊंगी तो उसी से ही शादी करूंगी मैं। आई वॉज वेरी क्लियर। और इसका ये था कि ये शादी करेगी सरदार से। आई लॉस्ट माई फादर व्हेन आई वॉज 10 years old, और उसके बाद सारा मेरी मम्मा ने सब मतलब के हैंडल किया। शी वॉज अ मदरली फिगर एंड अ फादरली फिगर, शी प्लेड बोथ रोल्स, एंड मैं उनको इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड मैं उनको हर्ट नहीं करना चाहती थी। एक टैबू होता है ना कि यार लव स्टोरी लव मैरिज नहीं करनी, तो हमारे में भी ऐसे था कि नहीं, और मेरी मम्मा को था कि मैं ढूंढ के दूंगी अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का, बस मेरी बेटी ऐसे रानियों की तरह रहे, कुछ करना ना हो। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि नहीं, मैं तो मम्मा के अगेंस्ट जा ही नहीं सकती, तो सॉरी कैंट यू नो। ये इसका आंसर था, और मुझे ये आंसर समझ में नहीं आया। मैं कहा ये क्या मतलब हुआ, मैं कहा चलो ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि जनरली अगर लड़की मना करते तो लड़के थोड़े से क्रिंज टाइप हो जाते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट। देन आई टोल्ड हर, मैं कहा इट्स ओके, दैट इज योर चॉइस। अंदर से मेरा दिल बहुत टूटा था, बट मैंने बहुत ही ज्यादा ऐसे दिखाया कि भाई हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता लाइफ में। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती, और रिश्तों की तरह तो लोगों में नहीं पड़ती। Guys, मतलब कि मैं सच में बताऊं, he was so nice in proposing as well. Like he wasn't at all cheesy, कुछ नहीं, बड़ा ही normal सा इसने friendly सा proposal. I love you. Girlfriend बन जा मेरी, तू और मैं rock कर देंगे, बता रहा हूँ। नहीं भाई मैं तो नहीं ऐसा कुछ सोचती। काफी hurt था, काफी hurt हुआ था मैं। उसके बाद भी बस इज्जत अपनी इकट्ठी करी, टीशर्ट से निकल ली है। एंड उसके बाद भी ना लाइक मैं यूजुअली अगर कोई ऐसे मेरे को बोल दे दैट आई लाइक यू, मैं तो भाई उस लड़के से बिल्कुल ही कॉन्टैक्ट बंद, सब कुछ बंद। इसने ऐसे वे में मेरे को मतलब के बोला, एंड उसके बाद भी नेक्स्ट डे वी मेट एंड वी जस्ट हैड, इट वाज ऑल नॉर्मल। हाँ, ही वाज ऑल नॉर्मल, एंड ही मेरे को भी बहुत ही लाइक कम्फर्टेबल, तूने हमेशा फील करवाया, लाइक वी यूज टू टॉक सेम जैसे पहले, कुछ अलग लगा ही नहीं। मतलब ऐसा हुआ कि अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, सब साथ वाली लड़की के साथ में बातें करने लग गया। मैं कहा ठीक है भाई, क्योंकि एज अ फ्रेंड तो रिस्पेक्ट करनी है ना, और तुम्हारा दिल भी पत्थर का नहीं है, तो मूव ऑन तो कर रहा है। मैंने कहा हेलो गर्ल, नहीं एकदम से नहीं हुआ था वो, क्यों अगले दिन, बिकॉज मेरे को हल्का सा आई टुक अ स्टेप बैक, बट आई वॉज अगेन, मेरे को ये था कि मेरे को एक डिस्कम्फर्ट नहीं क्रिएट करना, अपनी फ्रेंडशिप भी नहीं लूज करना, बिकॉज आई रियली लाइक यू एज अ फ्रेंड ऑल्सो। एज अ फ्रेंड कीरत इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सन, एज अ वाइफ शी इज ओके ओके। तो मैं तुम्हें जनरली बताता हूँ, फिर दोबारा से बातचीत होनी शुरू होगी, हमारी नॉर्मली थे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं कहीं और ही जाके बैठ गया, बस कीरत यहाँ बैठी होती थी तो मैं थोड़ा सा इधर की जगह इधर ध्यान देता था कि दिल को भी तो समझाना है ना दोस्तों, सख्त लौट ऐसे ही नहीं बने, ठोकरे खा खा के बने हैं। अरे बेटा बहुत पिघले तब जाके सख्त हुए। एक टाइम ऐसा था कि व्हेन आई स्टार्टेड स्पेंडिंग सम मोर टाइम विद अदर पीपल, ठीक है, व्हेन आई से पीपल आई मीन गर्ल्स, तो सो दैट आई कुड ओवरकम हर, एंड जब भी मैं लोगों के साथ भी होता था ना, लगेगा चीजी फिल्मी, बट आई शुड मिस हर, ऑनेस्टली मैं इसको मिस करता था, एंड उसी उम्मीद की किरण से मैंने डिसाइड किया मैं कीरत को एक और बार बताऊंगा। तो 2 महीने के बाद आई टोल्ड हर अगेन दैट आई रियली लाइक यू, एंड उस वक्त कीरत का आंसर था नहीं। गाइस मतलब के मैं खुल यार तू समझ यार, नहीं पॉसिबल। ये लॉजिक देती थी कि मैं सरदार से शादी करूंगी, मैं कहा यार तुझे ऐसा लग रहा है कि घोड़े पे सरदार आएगा कोई, ठीक है, और उसके बाद तेरे को उससे लव एट फर्स्ट साइड होएगा, क्योंकि मैं लव एट फर्स्ट साइड में बिलीव नहीं करता इतना। अट्रैक्शन डेफिनेटली यहाँ होती है, ठीक है, तुम्हें एक अट्रैक्शन हो जाती है बंदे से, तुम्हें इन्फैट्यूएशन भी हो सकती है, तुम्हें अच्छा लगता है कोई हॉट अगर कोई बंदा हो तो सबको पसंद आता है, बट लव इज अ वेरी डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, एंड वहां से मुझे लगा ऐसा नहीं होने वाला, तू जाने की पहचाने की तभी तो होगा तेरे को प्यार किसी से। और मैंने इसको बोल दिया, मैं एक बात बता, कोई कंपटीशन है मेरा तो तू मुझे बोलता है मेरे से अच्छा लड़का लाके दे दे, मैं अभी चुपचाप चला जाऊंगा,
क्योंकि हम फ्रेंड्स थे तो हमारा ये सब ओपनली चलता था। हाँ, ये ना बड़े ही फनी वे में ऐसे बोलता होता था मेरे को। कभी कभी इसने ऐसे प्रेशराइज नहीं करा कि किरत मैं तेरे को बोल रहा हूँ कोई लाके दिखा दे, ऐसे ही बड़ा ही कैजुअली से लाके दिखा दे यार फिर ठीक है। तो आई वाज अ फनी कबीर सिंह। तो गाइस बस ऐसे फिर से इसको ना कर दिया मैंने, दो गोलियां छाती पे खाई थी मैंने। बट अगेन लाइक ही वॉज सो नाइस, लाइक ये बिल्कुल भी ऐसे ना, इसने मेरे को कैसे बोलूंगी अंशु कैसे समझाऊं कि परवरिश, तूने मेरे को अनकंफर्टेबल नहीं करा लाइक क्योंकि मेरी लाइकिंग एक्सप्रेस करने के बावजूद भी यू नेवर लाइक यू नो, मेरी मॉम और मेरी सिस्टर ने बहुत बेसिक चीजें सिखाई हुई है यार कि यू कैन नॉट मेक अ गर्ल अनकंफर्टेबल। तो तूने लाइक मेरे को बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं फील करवाया। मैं कहा ठीक है नहीं करती नहीं करती यार कोई बात नहीं। सो दैट्स व्हाई लाइक वी केप्ट टॉकिंग, प्लस आई कुड नॉट अफोर्ड टू लूज अ फ्रेंड लाइक यू। हां ऑनेस्टली प्यार तो करता ही था, दोस्त भी खो देता। लाइक बहुत अच्छा यार, इससे इसकी और मेरी ट्यूनिंग बहुत ज्यादा अच्छी होने लगी थी, इतनी सिमिलैरिटीज थी हम दोनों में। वी यूज्ड टू हैव लाइक सेम डॉग ब्रीड है ना, तेरे पास डैशी थी मेरे पास रॉनी था और भी बहुत चीजें थी, सेम डॉगी थे। मैं तो यही सोचता था म्यूजिक का जो, मैं तो यही सोचता था ये मेरे घर में आ जाएगी, मेरी डैशी इनके घर में चली जाएगी। ओ एक और चीज है कि क्यों मैं इसको और भी ज्यादा मना करती, तो ये ना बड़ा ही मतलब कि इसकी बड़ी फ्लर्टिशियस सी नेचर होती थी। मैं इसको कहती थी, मैं कहती तू मक्खन सा है हर जगह पिघल जाता है। आज तेरा मेरे पे दिल आया, कल तेरा किसी और पे आ जाएगा। तो मैं इस पे बिलीव भी नहीं करती थी, मुझे था ठीक है अभी ये मेरे को लाइक कर रहा है, अभी आगे जाके पता नहीं भाई किसी और को लाइक करेगा। ये तो बहुत बोलती थी ना, बहुत बोलती मक्खन सा है, तू मक्खन है, तू तो हर जगह पिघल जाता है। गाइस भाई की तुम्हारी नेचर थोड़ी फ्रेंडली है, इसीलिए मैं इसके लिए गाना गाती हूँ गाइस, वो वाला पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा हर एक से वफा करता है। सो गाइस इसलिए आई टुक टाइम, मैं कहा नहीं नहीं यार मैं इस पे ट्रस्ट ही नहीं कर रही थी, मैंने कहा नहीं मेरे को ट्रस्ट तो करती थी बट यू वर अ लिटिल हेजिटेंट क्योंकि हाँ मैं यार मैं सबके साथ बहुत फ्रेंडली हूँ ऑनेस्टली। हाँ एंड मेरे लिए ना कोई ऐसा फर्क नहीं है कोई लड़की है कोई लड़का है, बट मैं सबके साथ हंसी मजाक करता हूँ। आई वॉज नॉट बिलीविंग यू ऑन दैट एस्पेक्ट बिकॉज मुझे था ठीक है फ्रेंड तो फ्रेंडशिप हमेशा निभाएगा, बट ये चीज हाउ सीरियस यू आर। हाँ 17 इयर्स में यार तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर लोगे ऑनेस्टली। और मेरे को ऐसा कोई फ्लिंग फ्लुंग ऐसा कुछ नहीं था, ना ही मुझे कोई बॉयफ्रेंड बनाना था, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं रखनी थी ऐसे। 17 साल के थे यार तुम, 17 साल तुम देख रहे हो लोगों की सीबीएसई की बुक्स मिल रही, मेरी लाइफ में वंडर आ गया। बेसिकली मैं अपनी मम्मा का धोखा नहीं देना चाहती थी। ये टॉपिक तो गाइस इतना आया है, चलो जंपिंग टू द मेन इवेंट। तो एक दिन क्या हुआ, मेरे फ्रेंड ने किसी को प्रपोज किया था और उसकी बंदी ने हाँ कर दिया था, ठीक है। सो द गर्ल ही यूज टू लाइक शी सेड यस एंड आई वाज टॉकिंग टू कीरत और हम फोन पे तो बात करते थे रात को एज फ्रेंड्स। तो काफी काटा तूने मेरा। तो मैं कीरत का बता रहा, मैं कहा यार ही सो लकी कि उसकी गर्लफ्रेंड मतलब उसकी गर्लफ्रेंड बन गई, उसने हाँ कर दिया ऐसे करके किसी को। और ना मेरी आंखों में ना हल्का हल्का ऐसे आंसू आने ही लगा पूरा ऐसे करके, मतलब वॉटरी वॉटरी आइज हो गई। और मैंने सोचा है आज के बाद ना मैं इस लड़की को कभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा क्या आई लाइक यू। मतलब मेरा कंफर्म था कि इसको नहीं बोलना, बस अब हो गया, अब अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता, डन। कोई और लड़की को बोलेंगे, कोई और गर्लफ्रेंड बनाएंगे, बस हो गया। बस ये फोन रखने ही वाला था उसी वक्त वहां से आवाज आई कि फियांशु मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं कहा हाँ मेरी मम्मा देखेंगे। एंड देन शी सेड एग्जैक्ट सेम वर्डिंग आई लाइक यू somehow, मतलब somehow I like you Fianchu somehow। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी, इससे ज्यादा नहीं। somehow is like very very little। मेरे से कहो कहते रहो अच्छा लगता है। इतने भाई मेरी जान खाली उसके बाद के, मैं कहा somehow को क्या मतलब है भाई, दिया बुझ रहा था अभी जग गया। कि भाई मुकर हो मत, अगर तूने somehow भी बोला है ना तू मुकर नहीं सकती somehow। कबीर सिंह जाग रहा था गाइस। तो नेक्स्ट डे हम ट्यूशन में मिले है ना, यू आर लाइक कीरत मेरे तो स्माइल ही रुक रही थी, भूली तो नहीं है। जैसे होता है ना कि भाई चाहे लड़की ने रात को कह दिया फ्लो फ्लो में, सुबह मुकर गई, याद है ना तुझे, मैं वो टिपिकल वो 16-17 साल की लड़की की तरह, याद है ना आपको बाबूजी, तुमने ये कहा था मुझे। एंड देन कीरत कहती हां ऐसे करके, एंड देन व्हाट कीरत सेड वाज, जिससे मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था क्योंकि 17 इयर्स में अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन रही है, इतनी सुंदर गर्लफ्रेंड बन रही है, तुम लोगों के आगे बता नहीं पाओगे तो आधी खुशी तो वहीं रह जाती है। सो कीरत सेड कि देख ऐसा है, आई कैन नॉट चीट ऑन माई मॉम, ठीक है, ये टॉपिक तो 200 करोड़ बार आया, मिसेस गिल आपने मेरी लव स्टोरी में बड़ी बाधाएं डाली है।
और oh, हम लव यू यार, मैंने ऐसा कभी नहीं करना चाहती थी. हाँ, हम किसी को नहीं बताएंगे. शी सेड दिस एंड शी सेड टेक योर टाइम, एग्जैक्ट वर्डिंग्स, टेक योर टाइम. अगर तू लिटरली मेरे से शादी करना चाहता है तो तू मुझे बता, अदरवाइज देयर इज नो चांस. ये वाली डिस्कशन हुई थी हमारी और मैं बड़ा प्रैक्टिकल, मैंने कहा यार हम 17 साल के हैं, अभी शादी होनी है 28 में, मैं अभी तेरे को 11 साल बाद की बात कैसे बता दूं तेरे को. एंड देन आई टोल्ड हर दैट आई नीड टाइम, एंड बिकॉज मुझे ना ऐसा नहीं था कि यार मैं बेवकूफ था, मैंने कह दिया कि नहीं नहीं मेरे को टाइम चाहिए. इसलिए बिकॉज कीरत जैसी लड़की थी ना, आई कुड नॉट इवन अफोर्ड. और मैं एज अ फ्रेंड्स के लिए भी बहुत मैं अपना लॉयल और एक मेरी जुबान बहुत पक्की है, मैं नहीं मुकरता किसी भी बात से. सो मुझे ऐसा हो जाता है कि अगर मैंने इसको कहा है तो मैं इसे शादी करके रहूंगा व्हेन आई वाज 17 इयर्स ओल्ड. तो तुम देख लो मैं इतना पक्का हूं और इतना जिद्दी हूं मैं. मैंने इसको बोला, मैं कहा टेक योर टाइम, सोच रहे फ्यांचू, दिस इज अ बिग कमिटमेंट. अगर तूने ऐसा, अगर तू मुकर गया ना तो फिर देख ले, दिस तुझे कोई और भी मिल जाएगी. याद है मैंने तेरे को बोला था? मैं भूल गया था, सॉरी. कि तुझे कोई और मिल जाएगी फ्यांचू, बट जस्ट थिंक अबाउट इट, दिस इज वेरी सीरियस. मैं ऐसे ये बिल्कुल वो नहीं करना चाहती. मैं इमोशनल हो गया. कि तब तक हम लाइक एज अ फ्रेंड एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने लग गए थे. बस ये था कि शादी करेगा तो बता. हाँ. और इससे मेरे को एग्जैक्टली उसे बोला है तो मेरे को याद है कि तुझे कोई और मिल जाएगी बट मुझे नहीं, मैं कोई और नहीं ढूंढूंगी कभी. हाँ. ऐसे वाला. तो मैंने कहा मुझे टाइम चाहिए. गाइस मैंने लिटरली 2 दिन लिए थे, मैंने पूरा अपने आप से बात की, बहुत सोचा कि इतने ब्रेकअप्स होते हैं. और मैंने गाइस, मुझे पता नहीं मैं इमोशनल हो गई. मैं ऑनेस्टली एक बात बताता हूँ कि मैंने ना बहुत सारी मैरिजेस ब्रेक होते हुए भी देखी है एट अ यंग एज. ठीक है. और मुझे पता है कि जो तुम आज एक फीलिंग में कह रहे हो वो चीज़ नहीं होती. बट देन आई टुक माई टाइम एंड देन 2 दिन के बाद मैं कीरत के पास गया. मैंने कहा यस आई विल मैरी यू नो मैटर वॉट. फिर इसने कहा कि मेरी मम्मा नहीं मानेंगे, ये नहीं होगा. तो मैं इसको हमेशा एक बात बोला करता था, ओ तो रो रही है. मैं इसको एक बात बोला करता था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज़ मैं अपनी मम्मा से लाइक इतना ज्यादा प्यार करती हूँ और एट द सेम टाइम मेरी इससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी एंड आई डिडंट वांट टू लूज हिम. एंड मेरी थोड़ी सी फीलिंग्स ऑब्वियसली डेवलप हो गई थी इसके टुवर्ड्स. और इसको मैंने कहा यार देख ले अब तू, दिस इज सीरियस फ्यांचू, तू स्टेप बैक नहीं ले सकता. बट हाँ मैंने इसको बोल दिया, मैं कहा इट्स ओके, मेरी ये फीलिंग्स दोबारा चली जाएंगी बिकॉज इट वाज व्हाट बिकॉज मुझे ऐसा था कि ठीक है यार अगर लड़का सीरियस नहीं है तो ठीक है मूव ऑन, मुझे भी पता चल जाएगा ना एटलीस्ट. मैं कोई रॉन्ग डिसीजन ना लूं. एनीवे मेरे को जब ये वाली बात तूने दोबारा से बोली कि तुझे कोई और लड़की मिल जाएगी तो मैं भी क्योंकि देख यार अब इतनी पुरानी पुरानी बातें हैं आपको सारी बातें तो बाय हार्ट. मेरे को तो स्पेशली तुझे पता मेरी मेमोरी कैसी है. अभी सब भूल गया कि हम दोस्त पहले रिलेशनशिप से पहले कैसे थे. मेरी मेमोरी थोड़ी सी खराब है तो मैं वो भूल गया हूँ. बट अब तू बातें बता रही तो मुझे याद आ रही है एक चीज. एंड देन मैं इसको एक ही बार बोलता था कि किरत सोच बदलने के लिए 1 सेकंड बहुत होता है और 10 साल में ऐसे कितने 1 सेकंड आएंगे कि तेरी मम्मा की सोच बदल जाएगी. शी विल बी ओपन टू वर्ड्स दीज थिंग्स. और हमने एक दूसरे को ये प्रॉमिस किया दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेल एनीबॉडी अबाउट आवर रिलेशनशिप, अबाउट नॉट इवन आवर रिलेशनशिप. मैंने कीरत को कभी गर्लफ्रेंड नहीं समझा था गाइस, नेवर. हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोलते नहीं थे, मुझे इस वर्ड से भी चिढ़ थी. मैं कीरत को हमेशा बेस्ट फ्रेंड बोलता था और बोलता हूँ और हमेशा बोलता रहूंगा. आपने हमेशा ये देखा होगा. वाइफ भी बहुत अलग आता है, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड ऑनेस्टली. तो हमारी फिर फ्रेंडशिप और गहरी हुई एंड वी डिड नॉट टेल एनी वन फॉर 2 years. हमने अपने बेस्ट फ्रेंड्स तक को नहीं बताया था कि हमारा कुछ सेटिंग हुई है या रिजर्वेशन हुई है, कमिटमेंट हुई है हमारी. उन 2 सालों में गाइस कीरत ने मुझे इतना परेशान किया है, इतना हर एक हफ्ते बाद दूसरे हफ्ते बाद हम बैठे हुए हैं. मानो जस्ट इमेजिन हम गाड़ी में बैठे हुए स्प्रिंग रोल खा रहे हैं, लिटरली बता रहा हूँ, सच पूरी कहानी सच है. अचानक से बैठ के रोने लगी. उसमें क्या गलत काम है. बट मेंटली कीरत को पता था कि शी इन लव विद मी. 2 साल तक तो चलो फुल फ्लो में भाग गए थे हम तो.
मतलब कि मेनली ये था कि मैंने अपनी मम्मा से बहुत ज्यादा ट्राई भी करा था कि मैं बताऊं तेरे बारे में हल्का 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 एज अ फ्रेंड एंड आई सॉ फ्रेंडशिप डे पर कुछ हां एंड शी वाज नॉट रेडी मिसेस गिल बहुत हेजिटेंट थे हां एंड वो बहुत ज्यादा हेजिटेंट है एंड आई सॉ के वो नहीं लाइक कर रहे सो आई कांट टेल हर मम्मा मतलब कैसे ना उनको भी जैसे ट्रस्ट उस नहीं होता था लड़कों पे ऑब्वियसली वो भी अपनी डॉटर के लिए प्रोटेक्टिव होते और फिर मैं कहा था कि मैं कैसे समझाऊं अब फियांशु की नेचर के बारे में कि नहीं मेरे वाला लड़का अलग है मम्मा इज वेरी नाइस तो मैं नहीं बता सकती मुझे लगता है कि उस वक्त ना मिसेस गिल के चीज भी सही थी कि 17 सालों की लड़की बोलेगी मामा मेरे लड़के से प्यार है 10 साल बाद इससे शादी करूंगी मैं ही चाटा मार दूं मैं कह चुप हो जा तूने भी तो बताया था ना अपनी मम्मा मैंने अपने मम्मा को बताया मेरी मम्मा इज लाइक शी इज माय बेस्ट फ्रेंड उन्होंने मेरे को कोई वो मना नहीं करेंगे मेरी मॉम का रिएक्शन ये था बेटा 1 साल बाद बात करेंगे जब उन्होंने ये इसने मेरे को ये बात बोली मैंने कहा हमने तो दिल पे ले लिया मैं कहा कुकू 1 साल मेरी माँ को लग रहा 1 साल तक नहीं चलेगा चला लेंगे कुकू मम्मा अगर आप देख रहे हो तो हाँ थैंक यू आपकी वजह से आपके मेरा ईगो बीच में आ गया था तुम्हारा चल गया पहले का 1 साल बट गाइस यू हैव नो आइडिया कीरत ने मुझे इतना परेशान किया है हर 2 महीने बाद रो के मैं अपनी मम्मा को नहीं धोखा दे रही यही रोती रहती यू विल नॉट बिलीव बीच में एक टाइम आया था कि मैंने आई टोल्ड कीरत दैट आई वांट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम यू मेरे को रिलेशनशिप में नहीं रहना तेरे साथ ये बेस्ट फ्रेंड मेरे को खेले नहीं क्योंकि हम कुछ काम भी नहीं गलत कर रहे और ऊपर से तुम मेरे को हर 2 महीने बाद टॉर्चर देती है हर 2 महीने मैं अपनी मम्मा को धोखा दे रही हूँ मैं अपनी मम्मा को मैं कहा भाई तो एक काम कर तो अपनी मम्मा की हो जा सच में हमारी बहुत गंदी लड़ाई हो गई बहुत ज्यादा मुझे अपने घर जाना है मुझे घर जाना है मुझे अपने घर जाना है तब तक तुम प्यार से बोलते रहोगे कि नहीं बाबू 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 की ऐसी की तैसी 2 दिन हमने एक्चुअली बात भी नहीं करी थी और फिर एक हफ्ता नहीं करी थी हाँ जी तेरा तो 2 दिन बाद कॉल आ गया था मैंने 1 हफ्ते तक तेरा फोन नहीं उठाया था हाँ जी तो मैंने कह दिया मैं कहा बहन तू पक्की शोर हो जा तो गाइस 2 से 3 साल हो गए और हम कभी भी किसी डेट पे नहीं गए कोई साथ में वैलेंटाइन नहीं मनाया आई थिंक इतने इसके रिश्तेदार होते थे चंडीगढ़ में एंड चंडीगढ़ जिनको नहीं पता अच्छा वेरी स्मॉल सिटी मेरे बहुत रिश्तेदार चंडीगढ़ मोहाली में रहते हैं लाइक हम आई वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़ तो कोई इधर उधर मतलब कोई ना कोई पहचान लेगा मुझे और देख लेगा और बता देगा घर पे चंडीगढ़ में हर कोई हर किसी को जानता है हाँ। तुम अगर किसी भी रैंडम पार्टी में चले जाओ 5 मिनट बात कर लो 6 लोगों का नाम ले लो 6 में से किसी ना किसी का कोई म्यूचुअल निकल ही आएगा निकल आता म्यूचुअल बहुत तो मुझे था कि वैसा रिस्क नहीं लेना तो इसीलिए हम कोई आज तक वैलेंटाइन साथ में नहीं मनाया हमने हम वैलेंटाइन मतलब ऑनेस्टली मैं बताता हूँ मैं भी बड़ा खुश होता था वैलेंटाइन वाले दिन तो मैं कीरत को बोल देता मैं कहा तू घर ही बैठ जाके तेरे घर पे शक ना हो और मैं गेड़ी रूट पे चल जाता था अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने ये लिटरली पूरा अपना बनाता था अपने सारे वैलेंटाइन हमने अलग ही मनाए गेड़ी रूट जाता था मैं मुझे बड़ा ऐसे होता था 8-10 सेक्टर बड़ी गेड़ी हमारी यार कितने मजे मार रहा है मैं ऐसे देखती हूं कितने मजे कर रहा है मैं बट मैं स्नैप डाल देता मिसिंग यू तो इसीलिए हमने ना बड़ा ही हम प्रोटेक्टिव चले हम सिर्फ ट्यूशन पे मिलते थे चल सबको ये दिखा दे कि अगर ये मेरे साथ गाड़ी पे भी बैठी है कभी और हमने 1 सेक्टर से दूसरे सेक्टर जाने मतलब फॉर एग्जांपल हमारी ट्यूशन होती थी इको की 46 सेक्टर में और अकाउंट्स होती थी 44 सेक्टर में तो 2 सेक्टर का फर्क था कैसे बैठती जाती थी तो गाइस फ्रंट सीट पे मैं बैठती थी और बिल्कुल सर नीचे करके बैठती थी सर तक नहीं दिखाया मैंने इसका कभी किसी को ताकि कहीं से कोई आइडिया ना हो जाए ट्यूशन में गाड़ी खड़ी करते थे बैक साइड जितने साल हमने खड़ी किए 4-5 साल बैक साइड खड़ी होती थी और वहां पे कोई नहीं आता था और ट्यूशन से गाड़ी पे जब मिलते भी थे तो ऐसे मिलते थे कोई देख ना ले और कीरत आगे आगे चलती थी मैं पीछे पीछे हम लिटरली जब ट्यूशन पे भी जाना होता था तो 12 फीट का डिस्टेंस रखते थे एक दूसरे के बीच में और मैं आगे आगे चलती थी ये पीछे पीछे आता था कि कोई देख ना ले कोई बाई चांस का भाई ना आया हो कुछ ना हो बड़ा डर डर के निकाली जवानी और पता नहीं क्यों उसी वजह से मुझे लगता है कि जो एक स्पार्क था ना कहीं घूमने फिरने का कोई मूवीज देखने का वो हम लिटरली शादी के बाद भी हमारा भी अलाइव है क्योंकि क्या होता है लोग कहते हैं लव मैरिज तुमने पहले सारे मजे मार लेते हैं लोग तो तुम इंजॉय नहीं कर पाते हमारा पहले डर डर में निकल गया उसके 6 साल का लॉन्ग डिस्टेंस हो गया सो आई वाज लाइक वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट कि नहीं बस हमने ट्यूशन पे मिलना है पढ़ाई करेंगे साथ में और ट्यूशन के बाद आधा घंटा रुक जाती थी 1 घंटा उसके बाद हम बस फोन पे बात करते होते हाँ, फोन पे टेक्स्ट पे चैट पे चैट होती थी हमारी रात को फोन चैटे चल रही है गाइस चैटे ये चैट नहीं हो रही चैटे हो रही है क्योंकि 3-3 पैराग्राफ लिख दे रही है वो मैं इनको पढ़ तो लेने दे बहन वॉशरूम जाती थी हाँ पता क्या हमारे स्कूल डिफरेंट होते थे तो इसने अपनी पूरी स्कूल की गॉसिप बतानी मेरे को मैंने इसको बतानी तो हमारा मतलब कि रोज तो हमारी बात होनी ही होनी होती थी कि आज तेरे साथ क्या हुआ अच्छा मेरे साथ आज ये हुआ मेरे स्कूल की तो इतनी गॉसिप होती थी गाइस हर रोज इसको आके एंटरटेनमेंट देता था काफी फन होता था इन सब चीजों के बावजूद भी किस्मत से देखो कोई बड़ा है नहीं
ठीक है, जब किस्मत खराब हो तो गाइस आई एम श्योर आपने सुना ऊंट पे बैठे बंदे को भी कुत्ता काट सकता है, तो वो बंदा यही था, वो ऊंट मैं था, कुत्ता इसका भाई था। तो इन सब के बाद भी एक दिन कीरत अपने कॉलेज में थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, थैंकफुली उसने मेरे साथ नहीं थी। ये कॉलेज में थी, इसकी मम्मी का कॉल आता है, और ये हमारे रिलेशनशिप को 3 साल हो गए हैं। इसकी मम्मी का कॉल आता है कि कहाँ किथे है तू, तो इसने कहा कि मैं इथे, मैंने पंजाबी में बोल दिया, सो घर आ जा बात करनी तेरे से। ये भी घर चली, तो इसकी मम्मा ने पूछा आगे कीरत बताएगी। तो गाइस क्या हुआ, तो ऐसे मैंने आज तक नहीं देखा कि मम्मा ने इतनी रूडली मेरे से बात करी और कहते बस तू घर आ जा, बस तू पंजाबी में बोलिए सर, तो कहते हाँ किथे है, मैं कहा मम्मा कॉलेज, अच्छा कॉलेज है, अच्छा घर आ जा तू आज, मुझे डर लग रहा है ट्यूशन जाना, नहीं नहीं कोई लोड नहीं जानती तू बस घर आ जा सीधा। मुझे लगा, मैं कहा यार क्या हो गया ऐसे, और फिर मैंने फियांचू को फोन किया, मैंने कहा फियांचू पता नहीं आई थिंक मम्मा ने या फिर किसी ने देख लिया हमको साथ में, तो क्या बोलूं, तू कही तू कहता कि नहीं बिल्कुल मुकर जाइयो कि मैं तो थी मम्मा किसी और को देखा होगा, मैं तो थी ही नहीं वहां पे। मैंने इसको ये बोला था कि तू कॉन्फिडेंस रखियो तो पूरा कॉन्फिडेंस रखना की ना, तू तू टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, तू बोल रही हो कि मम्मा मैं हूं ही नहीं वो। तो गाइज मैं ऐसे प्रिपेयर होके जा रही, अंदर से बस मेरा इतना बस हार्ट अटैक होने ही वाला था मेरा कि बस कि पता नहीं अब क्या होगा। तो मेरे को पूछते कि तू किसी लड़के से बात करती है, मैंने कहा नहीं मेरी तो किसी से बात नहीं होती मम्मा, तो नहीं कीरत तू मेरे को झूठ ना बोल, बस तू मेरा ट्रस्ट तोड़ रही है, तू मेरे को झूठ ना बोल, मैंने कहा नहीं मम्मा मैं सच्ची कह रही हूँ बिलीव मी। तो उधर से मेरा भाई आया, गाइस स्पीकर पे ना एकदम से उसने अपना फोन कनेक्ट किया, बड़े वाले स्पीकर होते हैं, फोन कनेक्ट किया उसने और स्पीकर ऑन किया, उस पे मेरे और फियांचू की फोन रिकॉर्डिंग थी। मतलब के यार इतना चल रहा है, मैं कह रहा बेबी तू टेंशन ले बाबू, इतना गंदा फंसी थी मैं, इतना गंदा मतलब कि मैं तो अब मुकर ही नहीं सकती थी। फोन रिकॉर्डिंग क्या हुआ था, मेरा 2 दिन पहले फोन खराब हो गया था, चार्जर वगैरह मेरा खराब हो गया था, तो मेरे भाई ने अपना फोन दे दिया, उसके फोन में रिकॉर्डर लगा हुआ, इसको पता नहीं था, नहीं ऐप सही फोन कॉन्वर्सेशंस मेरी थी इसके साथ हुई सब रिकॉर्ड। मैं कहा शुक्र है भगवान का उस रात को कोई पपिया नहीं दी मैंने फोन पे, नॉर्मली डिस्कशन चल रही थी, हम ना ऐसे डिस्कशन चल रहे थे, कोई ट्रिप मना कोई ट्रिप, ट्रिप, ट्रिप सारे फ्रेंड्स मिलके कोई ट्रिप प्लान कर रहे थे, और ये मेरे को समझा रहा था कीरत नहीं तू टेंशन ना ले कीरत, हम ऐसे करके वहां ऐसे जाएंगे ऐसे करेंगे, मैंने कहा अच्छा नहीं ठीक है, एक दो बार तेरे को बेबी भी बोल दिया था मैंने, ऐसे रिकॉर्डिंग चल रही भाई। मैं तो क्या किया मैंने फटाफट, आई वाज सो प्रोएक्टिव, मैंने फोन निकाला स्पीकर से और भागी बाथरूम में। बट तब तक तेरा थप्पड़ पड़ चुका था भाई, एक तेरे थप्पड़ पड़, तेरी मम्मा ने मारा था एक तेरे को, मारा था हाँ लॉक कर लिया वॉशरूम में, पहले तो सारी मैंने रिकॉर्डिंग्स डिलीट करी, फिर इसका मेरे को कॉल आया, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने कहा फियांशू नहीं 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 इसे बोला फियांशू मैं फंस गई हूँ घर पे, ठीक है अब तुम मुझे कॉल मत करियो बाय, और वहां पे मैं बैठा हूँ, मेरे को तो मेरे को समझ में ये कॉल हुई क्या है, अब तो फियांचू को मैं कभी मिल नहीं पाऊंगी। अरे तो गाइस आप लोग मेरी पोजीशन समझो, मुझे कॉल आया है मैं फंस गई हूँ घर पे, मुझे कॉल बैक मत करिए ओके बाय, मैं तो हक्का बक्का रह गया, मेरे को समझ में नहीं आया हुआ क्या है भाई मेरे साथ। सो इस पार्ट में गाइस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में आप देखोगे कि कीरत ने कैसे अपने घर पे सारी चीजें बताई और उसके बाद उसकी मम्मा का क्या रिएक्शन था, कहां पे मैं और कीरत इंटरनेशनली मिले पहली बार। स्टे ट्यून्ड, मेक श्योर दैट यू हिट ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना सो दैट जब पार्ट 2 आएगा आपको सबसे पहले पता लग जाएगा। बाय बाय।